मम्मा के पास में आके मुझे दे दी। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये हैदर है, ये अपनी छोटी सी प्यारी सी फूफो सवेरा के साथ बैठकर चिप्स खा रहा है और दोनों खा रहे हैं चिप्स, बहुत खुश हैं। मेरी छोटी सी प्यारी सी फूफो हवेली आ गई है, इसकी अब मस्तियाँ देखें। ये मेमी इधर रहती है और ये ऊपर खेलती है इसके ऊपर, ये देखें। अब इसके पाँव गंदे हो गए थे, ये साफ करिए। ये बाहर आने के इसके स्टाइल देखिए आप सर, ये गिरती नहीं है, ये बाहर आ गई है। अब फिर नीचे उतरने लगी है, उतर गई है। अब इसने बस छड़ी पकड़नी है तो अब मेमियों की प्यारी प्यारी मेमियों के साथ खेल रही है, उस उनको मार रही है। इसका दिल है कि बाहर आए मैं इनके साथ खेलू, इन्हें बाहर निकाल दिया। खैर के पर आगे जाल है, हो गई गिरने लगी। देखिए बंद कर रही है, खोल रही है कभी। देखिए इसका दिल है बाहर आए, इसने मुंह मारा तो डर गई है। ये देखिए डर भी जाती है ना, बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। एक आने लगी है बाहर, वो दे उसने बोला ना आए बाहर, उसने देखो बंद कर दिया छोटी सी, उससे लग गई है ना, उसने उनको मार दिया जाल के साथ। अब दूसरी बार मेमी के पास आने लगी, वो दे देखी, ये देखो ये देखो इनके काम खींच रही है। ये देखिए अब इनको तंग कर रही है, ये देखिए इसका दिल है ये लॉक लग जाए, लेकिन वो तो लगता है अब दास हो गई थी। ये देखिए इतना जोर से करती है वो मेमी ज्यादा, अब दूसरी वाली के पास आ रही है, बैठ जाती है बस उनके पास आकर। कहती है मुझे हवेली लेकर जाओ, मेरी वीडियो बनाओ और मुझे मेमियों के साथ खेलने दो। इतनी शियार हो गए है ये छोटी सी पुखो, इतनी तेज है, इतनी तेज है, क्या बताऊं। मैं अब तंग कर रही हूँ, मुसलसल तंग करते जा रही है। इतना दरवाजा जोर का बंद करती है, उसका छोटा सा दरवाजा है। अब दूसरी बार मेमी के पास फिर आ गई है, ये देखें कभी ऑन करती है और कभी बंद करती है दरवाजे को, छोटा सा उनका दरवाजा। ये देखा अब हंसने लगी, ये देखो उनको परेशान करना जिसका ना काम है। मुझे दूसरी को भी मार रही है, ये देखो ठुड्डे लगा रही है, किक लगा रही है किक। ये देखो वो एक बाहर आने लगी, इतना उसने बोला ना इसको कुंडी लगानी नहीं आती है, ये भी छोटी सी है।
इसे पता ही नहीं कैसे लगा। यह मेरी मामा जैनब का फ्रॉक बनाने लगे हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ क्या आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया करे। और कुछ पीस पड़े हुए थे, मामा ने सोचा जैनब का फ्रॉक बना दूँ और मामा इसको प्रेस कर रहे हैं, और मैंने सोचा वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए, वीडियो बना लूँ। तो मामा ने कुछ पीस रखे हुए थे, तो मामा ने सोचा जैनब के कपड़े बना दूँ, इनकी फ्रॉक बना दूँ। तो मामा प्रेस कर रही थी, मैंने बोला मामा मैंने भी करना, मामा कहने ने तू अपना शौक पूरा कर ले। मैं भी प्रेस करने लगी तो मामा आए, तो इनने कपड़ा सीधा किया और ये मामा ने काउंट किया कितने हैं, तो मामा ने बोला 4 कपड़े हैं, 4 पीस मामा ने लगाए हैं, ये देखे 4 है। ये मामा ने गलियां बनाई है, तो गलियां बना के तो आगे वाला पीस लगाएंगे पूरा फ्रॉक बनाने के लिए, ये आगे पीस लगाएंगे, वो गलियां बनाई है सेंटर में पीस लगाएंगे। तो गाइस मैं आपसे कल जो मैंने पहले शेयर की थी वो आपको बताने लगी हूँ कि किसान था जो एक पुल नहर के पुल से गुजरना है, उसने उसके पास एक बकरी है, एक घास है और शेर है, वो कैसे लेके जाएगा इनको, और पुल में से जो गुज़रने की जगह है वो सिर्फ दो चीज़ों की है, या तो वो घास लेके जा सकता है या बकरी लेके जा सकता है, खुद जा सकता है साथ में एक चीज़ लेके जा सकता है। तो गाइस पहले वो बकरी लेके जाएगा, उसके बाद क्योंकि शेर घास नहीं खाता, उसके बाद शेर घास लेके जाएगा और बकरी को वापस ले आएगा, फिर वो शेर लेके जाएगा और फिर आगे क्योंकि उतर भी जाएगा शेर तो वो घास नहीं खाता, फिर आएगा तो आके बकरी ले जाएगा। इसी तरह किसान ने अपनी अहर अफियत से पुल भी क्रॉस कर लिया और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। गाजिया मेरी मामा इन पीस में से इन पीसेस में से बाजू निकालेंगे, तो पेटी भी बना ली है, कलिए भी बना लिए, फ्रंट भी लगा लिए, बाजू रह गए थे ये बाजू बनाने लगी है। तो कल मामा फ्रॉक सीएंगी तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो प्लीज़ 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 माय फ्रेंड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, अभी सिर्फ 10 सब्सक्राइब हुए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के आपके साथ शेयर किया करूँगी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।